दोस्तों एसबीआई पीओ का पहले दिन के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, चारों शिफ्ट के कंप्लीट एनालिसिस भी हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने भी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो ओवरऑल जो देखा था क्वांट का जो मेरा अटेम्प्ट था, 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट इतना आसान नहीं था क्वांट यार। ठीक है, तो इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग भी 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं कि सर एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेकर जाना है। तो आप लोग अपना एक ओरिजिनल आईडी, उसका जीरोक्स, ठीक है, आईडी और जीरोक्स को अपने साथ रखना है। फोटोग्राफ, 3 फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म लेकर जाना है, कोरोना वाला, कि आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेकर जाना है, बट लेकर चले जाना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सर, एग्जाम स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जाम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का पेपर आसान है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब एग्जाम देने लगेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन थोड़ा इजी था। सेकंड जब आया क्वांट पर, ठीक है, तो जब क्वांट का पहला सवाल देखा है, पहला सवाल वाकई में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि आप जब पहला सेक्शन अटेम्प्ट करते हो इंग्लिश का वो इजी था, और सेकंड शिफ्ट में जब मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखा, क्वांट का पहला सवाल देखा, तो वो आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, और जिसमें जो वैल्यूज दे रखी थी दोस्त वो अप्रोक्सीमेशन में दे रखी थी। लाइक 20% को उसने लिखा था 19.999%। तो इस तरीके से परसेंटेज, रेट परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, रेट परसेंटेज आपको गिवन था, और वहां पर जो आंसर भी निकालना था अप्रोक्सीमेट में निकालना था। तो आपको समझ में आता है वहां पर कि आपको 19.99 को 20 लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन आसान था, ड्यूएबल क्वेश्चन था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन को आप बना सकते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग अर्थमेटिक विथ अप्रोक्सीमेशन के साथ हुई थी। अर्थमेटिक के 8 से 10 क्वेश्चन थे, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बात करते हैं सर, उसके बाद आप लोगों को देखने मतलब मेरे को देखने को मिला था डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। डीआई में पाई चार्ट था, पाई चार्ट में टेबुलर दे रखा था। डीआई को देखकर ही समझ में आता है कि यार इसमें टाइम लगेगा, तो अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते। मैं वहां से आगे बढ़ा, डीआई को स्किप कर दिया, मार्केट रिव्यू किया और आगे की ओर मूव किया। आगे जब गए तो आगे कैसलेट डीआई देखा, उसको भी मैंने मार्केट रिव्यू कर दिया, आगे बढ़ा। आगे फिर अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, उसको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो कैसलेट डीआई देखने को मिलता है, और कैसलेट डीआई आसान था, परसेंटेज बेस्ड था, तो परसेंटेज बेस्ड डीआई था, तो उसको भी मैंने मार्केट रिव्यू कर दिया। डीआई में टाइम लग सकता है, सिलेक्ट करना है, आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिली यार कि लास्ट में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान था। लाइक अगर आप लोगों ने डिफरेंस निकाला, डबल डिफरेंस निकाला, आपका आंसर आ रहा है। सीरीज में आपको दिख रहा है कि सीरीज में मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर बन जाएगा। सीरीज में आपको दिख रहा है कि डिवाइड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और जो पांचवी क्वेश्चन नंबर सीरीज के मेरे सिर्फ में पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया भी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, पता चल जाएगा कि नंबर सीरीज का लेवल क्या रहेगा। आज के सिर्फ में मिसिंग नंबर सीरीज आ रहे थे, तो मे भी हो सकता है कल आप लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। हालांकि रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है तो पैटर्न तो इजी होगा ना, पैटर्न डिफिकल्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेवल की बात की जाए तो एकदम आसान लेवल था, मतलब आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालते आते छोटे छोटे नंबर के, आप आसानी से उसके आंसर्स निकाल सकते थे। तो देखिए अब आपका क्या होना चाहिए टारगेट, कल कैसे आप 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यार 35 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है, मतलब 35 क्वेश्चन कर सकते हो बट पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, पॉसिबिलिटी उसकी कम है। तो 30 क्वेश्चन तक अगर आप 25 तक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, 20 to 25 questions तक, क्योंकि यार एग्जामिनेशन में टाइम कब निकलता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मैंने कैसे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसके बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट बेस्ट अर्थमेटिक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक कंप्लीट किया, अर्थमेटिक के बाद 3 डीआई होंगे, 2 डीआई एक कैसलेट था। ठीक है, 2 डीआई और अगर एक कैसलेट होता है तो इन तीनों को लास्ट क्लियर कर देंगे, जो इजी पार्ट है पहले उसको कंप्लीट कर देंगे। लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, या नंबर सीरीज हो गया, इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो वहां तक कंप्लीट हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आप लोगों के जो रहेंगे अर्थमेटिक के रहेंगे। लास्ट में 15 क्वेश्चन आप लोगों के डीआई रहने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट के 15 क्वेश्चन में से एक इजी डीआई होगा, एक मॉडरेट लेवल होगा, एक डिफिकल्ट लेवल होगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, पहले उसमें से इजी डीआई को सिलेक्ट करना है, उसको कंप्लीट कर देना है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कैसलेट या फिर दूसरे डीआई में से कि कौन सा डीआई आपको करना है। ठीक है, तो बट आज 4 सेट का जो एनालिसिस देखा है तो वहां पर देखा गया कि सिर्फ 2 ही डीआई आया था,
सिंप्लीफिकेशन के 5-6 क्वेश्चन आ गए थे और 2 डीआई के जो क्वेश्चंस थे वो 12-13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डीआई का जो लेवल यार वाकई में थोड़ा लेवल है, ठीक है, डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस ट्रिकी है, कैलकुलेटिव है, करने में सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो पहले जो इजी टॉपिक्स है लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना है और मार्क एस रिव्यू ऑप्शन का यूज करना है। जैसे मैंने किया था, क्या किया था, पहला क्वेश्चन बन रहा है बनाया, सेकंड क्वेश्चन बन रहा है बनाया, थर्ड क्वेश्चन बन रहा था बनाया, आगे डीए दिखा, डीए को मैंने मार्केट रिव्यू कर दिया। मार्केट रिव्यू करने से फायदा क्या होता है सर, लास्ट में हम लोगों को पता होता है कि कौन से सवालों को हमने मार्केट रिव्यू के लिए छोड़ा है ताकि हम उसको बना सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, वो सवाल उस टाइम आपसे नहीं बन रहा है, बाद में भी नहीं बन सकता, तो उस क्वेश्चन पर वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप है ना इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट 25 से 30 तक पहुंच सकता है और 20 मिनट में यार इतना ही अटेम्प्ट हो पाएगा, टाइम कब निकलेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं तो यार इंग्लिश का पेपर तो आसान था, मैथ्स का पूरा मैंने आपको बता ही दिया है, रीजनिंग में यार पजल थोड़ी कैलकुलेटिव दिखी थी मेरे को, तो लगी थी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो पजल पे आप लोग टाइम लास्ट में रखेंगे, उसके पहले आपके इनइक्वालिटी के सवाल होते हैं या फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं या फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है तो उसको बना लेंगे, तो ओवरऑल आपका रीजनिंग भी बहुत अच्छा चले जाएगा। तो पेपर की अगर बात की जाए तो यार कुछ नया ज्यादा देखने को नहीं मिला, सारा वैसा ही है जिस तरीके से हम लोगों ने क्लासेस में तैयारी की थी। और आज के पेपर्स जो चारों शिफ्ट के एग्जाम हुए उसका हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया, तो आप डेफिनेटली मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और साथ में एक्सपेक्टेड पेपर भी अभी मैंने कंप्लीट किया है जिसमें कल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर और एक्सपेक्टेड पेपर एक बार देखेंगे और उसी के हिसाब से माइंडसेट करके आप कल एग्जामिनेशन जाएंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो गाइस सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है और कितनी आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया उनके लिए भी यही यार कि आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई है सर, क्वेश्चंस ड्यूएबल थे, बना सकते थे अगर हम ठीक से प्रैक्टिस करते, अभी भी आप लोगों के पास चांस है। SBI PO के बाद IBPS PO का एग्जामिनेशन 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो ये 10 दिन लग जाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते दोस्त तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, विदाउट मॉक टेस्ट अगर एग्जाम में जाओगे बहुत दिक्कतें होगी, आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों अपन सेशन में, तब तक के लिए अभी ध्यान रखेंगे अपना। एंड यार वन मोर थिंग, सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरीके से हमको सवालों को बनाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।